मोटा हिसाब बताती हूँ, अगर ये वाला सेट फॉर एन एग्जांपल ऐसा आप कहीं बाहर से लेने जाओगे 22% से 25% आपको मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। आई एम नॉट जोकिंग। मैं आई हूँ अनवर लग्जरी शॉप, आपको याद होगा जो जीरो मेकिंग चार्ज वाले हैं। मैंने अभी डाला है 2 किलो के करीब सोना, ठीक है। ये नेकलेस डाला हुआ है, बेल्ट डाली हुई है, चोकर डाला हुआ है, इयररिंग्स डाले हुए हैं और 2 पूरे के बड़े कड़े डाले हुए हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको एक ना प्रूफ दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अभी मैं ना चलते चलते आराम से बाहर जा रही हूँ, स्टाफ को नहीं पता कोई आया बाहर, कोई नहीं आया। अब मैं ना थोड़ा राइट लेती हूँ, कोई आया बाहर, नहीं आया, अभी भी कोई बाहर नहीं आया। 2 किलो सोना, 50 ग्राम की चीज ना कोई आपके हाथ में पकड़ा है इंडिया में, 2 किलो सोना लेके मैं डोर की तरफ जा रही हूँ, कोई आया पीछे, कोई नहीं आया। आई थिंक आपको प्रूफ मिल गया होगा कि भाई दुबई इज अ सिटी ऑफ गोल्ड, किसी को परवाह नहीं है। देख लो कोई नहीं आया अभी तक बाहर, मैं यहीं खड़ी हूँ। तो जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। 2 किलो गोल्ड पहन के मैं आराम से यहाँ चल फिर रही हूँ कॉरिडोर में और किसी को कोई परवाह नहीं है, जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में दिखा दिया है। आज फिर से मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ, मैं आपको लेकर आई हूँ अनवर लग्जरी पे, जहाँ पे है जीरो मेकिंग चार्ज ऑन एवरीथिंग। चेन खरीदो, घड़ी खरीदो, कुछ खरीदो, जो भी चीजें इनकी दुकान में, सबको जो लूटना है लूट लो आपने जीरो मेकिंग चार्ज पे। अब आप कहेंगे अरे यार ऐसा क्या कि मतलब सिर्फ गोल्ड प्राइस ले रहे हैं ये और कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, क्या नकली तो नहीं है, कुछ उसमें मिक्स तो नहीं है? तो आपको पता है दुबई गवर्नमेंट इन सब चीजों के लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हर चीज आपको ऑथेंटिक मिलती है, अच्छी मिलती है और आपको यहाँ पे डिजाइन एक से एक मिल जाएंगे और आपको 1 रुपया भी मेकिंग का नहीं देना है। मतलब लिटरली आप सिर्फ गोल्ड का रेट ही आप दे रहे हो, तो आने वाले सालों में जब आप गोल्ड बेचोगे तो ऑफकोर्स उससे ज्यादा कमा लोगे जितना आप इन्वेस्ट करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज दोबारा ये वीडियो क्यों बन रही है बताती हूँ। ये दुकान और भी बिगर बेटर और इसमें और सारे डिजाइन जो है वो एड हुए हैं, तो आपको दूसरी साइड से भी लेके जाती हूँ। ये इनकी एक साइड है यहाँ की अनवर लग्जरी, ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने पूरी दुकान में ऑल आइटम्स जीरो मेकिंग चार्ज। मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये पीस पे है ये पीस पे नहीं है, हर चीज पे जीरो चार्ज है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं साथ में। तो ये है वो इनका कोना जो इन्होंने अभी एक्सटेंड करा है, दुकान है सामने उस तरफ आपको नजर आ रही है और यहाँ से बाहर पूरा ये जो काउंटर है वो ऐड किया गया है। और आप देखो इनके पास क्या क्या है, इनके पास नेकलेसेस हैं, चोकर्स हैं, बैंगल्स हैं, मतलब यू नेम इट दे हैव इट। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको मिसिंग मिलेगी, हर चीज़ आपको इनकी दुकान पे मिलेगी जीरो मेकिंग चार्ज के साथ। गोल्ड बार्स हमेशा लोग लेके इन्वेस्ट करना चाहते तो इनसे पूछ लेते हैं, भैया गोल्ड आपके पास जो बार है वो मैक्सिमम कितना किलो तक या ग्राम्स का रहता है? 100 ग्राम से 1 किलो तक भी रहता है। तो 1 किलो वाला भी अगर कोई खरीदे तो कोई मेकिंग चार्ज है? नहीं। 100 ग्राम वाले पे है? नहीं। किसी में भी नहीं है, रियली में नहीं है। ये वाला एरिया छोटा सा आपको एज अ टीजर मैंने दिखा दिया है, अभी हम चलते हैं मेन दुकान की तरफ। माय गॉड, पोस्टर्स हर जगह है भाई, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते कभी भी। सो चलते हैं इस तरफ, तो चलिए दोनों तरफ आप देखना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आधे से ज्यादा तो यार मेरे फॉलोअर्स ही आए हुए हैं। हेलो जी, हेलो 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 स्टाफ, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। दुकान भी भरी पड़ी है, हर जगह मोटे मोटे लफ्जों में लिखा हुआ है कि इनका जो मेकिंग चार्ज है वो जीरो है। और आप क्लाइंट्स देखो, यहाँ पे लोग देखो, आप भरी हुई दुकान है। और अभी सुबह का टाइम है जब मैं आना चाहती थी कि खाली हो, लेकिन ये दुकान भी कभी भी नहीं खाली होती, दुकान के बाहर लोग वेट कर रहे होते हैं। आप देखो इनके पास क्या नहीं है, क्या नहीं है इनके पास। यहाँ जितने भी सारे लोग है देखो मेरे फॉलोअर्स है, एंड सबने मुझे घेर लिया है। वेलकम वेलकम वेलकम, सो नाइस, प्लीज लीजिए लीजिए सर, प्लीज सारे के सारे देखिए मेरे फॉलोअर्स यहाँ पे मुझे मिले हैं। आप भी, अरे मेरी छोटी क्यूट सी फॉलोअर भी है, माय गॉड दैट्स सो नाइस, ओ माय गॉड, ये ले ले ले, हाय, थैंक यू, अच्छा आपके साथ ही आइए। प्रूफ आपने देख ही लिया है कि कितने सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं इंडिया से या पूरी दुनिया से गोल्ड खरीदने के लिए, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है और सब लोग मेरे साथ अभी सेल्फीज ले रहे थे, फोटोज ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। दिस इज रियली सो नाइस। इससे मुझे पता चलता है कि सही सही जगह पे आपको मैं दिखा रही हूँ भाई कि कहाँ जाओ शॉपिंग करो, तो आपने यहाँ तो जरूर आना ही आना है, यहाँ पे तो हाजिरी लगवानी लगवानी है। आपको नहीं पता मैं कब आपको यहाँ पे खड़ी मिल जाऊँ, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द शॉपिंग जो है वो यहीं से होती है। इनके डिजाइन है जो लाइटवेट भी है, हैवी भी है, बैंगल्स भी है, रिंग्स भी हैं, कड़े भी हैं, चूड़ियां भी हैं, हर चीज है। वैरायटी तो इनके पास एंडलेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी पूरी
पुरानी दुकान जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि सोने से नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना किसी दुकान में लोहे वाली दुकान पे हमने लोहे के मतलब भरे देखे होते हैं दुकानें, तो वैसे ही भरी हुई है। और देखो हर तरफ आप देखो सोना ही सोना नजर आ रहा है और सब कुछ ऑथेंटिक है। जो मार्केट का प्राइस होता है वो ही इनकी स्क्रीन के ऊपर सामने वहां पे डिस्प्ले में आप देख सकते हो, कुछ भी छुपा नहीं हुआ। जो रेट है रेट के हिसाब से, जो गोल्ड का वे होता है, जो वेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाता है। जीरो मेकिंग चार्ज, जीरो मेकिंग चार्ज, कुछ नहीं आपने एक पैसा भी एक्स्ट्रा देना। मुझे पूछोगे कि भाई ये आपको गोल्ड मेकिंग चार्ज क्यों नहीं लगा रहे हैं, राइट? आपके भी मन में 17 के क्वेश्चन आते हैं। ये इसलिए आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगाते हैं, नंबर वन दे वॉन्ट टू ऑफकोर्स अट्रैक्ट द क्राउड, ये गोल्ड बेचना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। और भाई स्मार्ट होते हैं बिजनेस वाले भी, जब लोअर रेट चल रहे होते हैं तो ये दबा के बल्क में इतना खरीद लेते हैं जिसको ये स्टोर करके रखते हैं। और धीरे धीरे फिर इनका धीरे धीरे तो नहीं मुझे तो लगता है रोज ही पता नहीं इनका कितना गोल्ड बिकता होगा, क्योंकि पूरी दुकान भर रखी है मेरे फॉलोअर्स से। और जब भी मैं यहाँ पे दुकान के आगे से कभी वैसे भी निकलती हूँ दुकान हमेशा भरी होती है। मोटा हिसाब बताती हूँ, अगर ये वाला सेट फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा आप कहीं बाहर से लेने जाओगे 22% से 25% आपको मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। आई एम नॉट जोकिंग। एक चीज और बताती चलूं, इनके यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी आपको पड़ी हुई नजर आ रही है, टोटल ज्वेलरी सब कुछ 22 कैरेट है। अफकोर्स जो गोल्ड बार्स रहते हैं वो तो प्योरिटी 24 कैरेट वाली रहती है ना, उसके अलावा जितनी भी ज्वेलरी आइटम्स हैं, झुमके हैं, चोकर है, नेकलेसेस है, कड़े हैं, चूड़ियां हैं, चेन्स हैं, मतलब सब कुछ है, सब 22 कैरेट है, प्योर है, अच्छा है, रेट टू रेट है और मेकिंग चार्ज जीरो है। पूछोगे कि प्राइस को कंफर्म कहाँ से करते हैं, बहुत सारे लोगों को कोई बताता नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ, dubaicityofgold.com के ऊपर आप यहीं खड़े होकर खुद भी प्राइस चेक कर सकते हो। और वहीं से इनकी जो स्क्रीन है वो जुड़ी हुई है, जो टाइम टू टाइम अपडेट होती है, जो भी करंट उस टाइम जब आप खरीद रहे हो उसी टाइम का उसी सेकेंड का जो रेट है सिर्फ आपने वही लेना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं देना। कितने लोगों ने 1 किलो का गोल्ड बार देखा है, सच बोलना, झूठ नहीं, कमेंट्स में वेट करूंगी। ये 1 किलो का बार है, दिखने में लग रहा है छोटा, जब मैंने इसको उठाया तो मेरे हाथ में ना मतलब नीचे जा रहा है मेरा हाथ, उठाया भी नहीं जा रहा मुझसे। सो अर्मा ज्वेलरी के बारे में लोगों ने हमेशा मुझे पूछा प्योरिटी के बारे में, तो इनकी फाइल देख लो जो ये हमेशा लैब से टेस्ट करवाते हैं, सारा आप पढ़ते जाओ कोनों में, सारे इनके ज्वेलरी के एक एक के चेकअप होते रहते हैं, ये हमेशा लैब में भेजते हैं, हर जगह आपको 22 नजर आएगा। और आप किसी भी चीज को यहाँ आके चैलेंज करो, ये आपको फाइल खोल के दिखाएंगे। शोर में तो बोलना भी मुश्किल हो रहा है, दुकान भरी हुई है। बट आपको एक चीज बताती चलूं कि टूरिस्ट टैक्स रिफंड आपको एयरपोर्ट से 5% ये जो लेते हैं आपसे, VAT दुबई में अब है, तो वो आपको 5% पे करना पड़ेगा दुकान में अपने बिल में, और फिर आप टैक्स रिफंड करवा सकते हो एयरपोर्ट के ऊपर। मुझे लगा कि हाईलाइट कर दूं और ना पता चले यहाँ लड़ाइयां हो रही है मेरे पीछे से। शोर जितने लोगों ने भी मेरी उस वीडियो का पार्ट 2 मांगा था उनको मिल गया होगा और उनको तसल्ली भी हो गई होगी, दोबारा से जो पॉइंट्स मैंने पिछली बार मिस आउट कर दिए थे इनको मैंने और एम्फेसिस कर दिया है, ताकि आप और प्योर गोल्ड खरीदो, अच्छा गोल्ड खरीदो और सर्टिफाइड गोल्ड खरीदो जिसके ऊपर पूरी मार्किंग है, दुबई गवर्नमेंट से वो टेस्ट कराते हैं, लैब से टेस्ट कराते हैं, 22 कैरेट है। जो हम इंडियंस, पाकिस्तानी और हमारे जो कंट्री वाले लोग हैं हमेशा ऐसी ज्वेलरी ही पसंद करते हैं, जो इनकी दुकान में आपको वन स्टॉप शॉप हर चीज आपको इस दुकान में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं वेरी सून इसी दुकान में, कभी ना कभी मैं खड़ी होंगी और आप भी आएंगे, बोलेंगे ममता जी सेल्फी ले लें आपके साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। आई लव यू गाइस ऑल।